हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो सीटेट के लिए बनाई जा रही है। आज हम इस वीडियो में लेसन 4 वस्तुओं का समूह बनाना के बारे में जानेंगे। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं, जैसे प्लेट, इस्पात, कांच, प्लास्टिक जैसे वस्तुओं से बनती है। लकड़ी से मेज़, कुर्सी, पलंग, बैलगाड़ी आदि बनती हैं। हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सब चीज़ें अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग तरह से बनी होती हैं। जैसे कुछ धातुओं से बनी होती हैं तो कुछ लकड़ी से, कुछ प्लास्टिक से, कुछ कांच से। आज हम इस लेसन में जानेंगे कि जो चीज़ें हैं हम उन्हें कैटेगराइज कैसे करते हैं, हम उनका समूह कैसे बनाते हैं। जैसे ग्लास बनाने के लिए कम से कम ऐसा कोई पदार्थ होना चाहिए जो जल को रोक कर रख सकता है। अब हम ग्लास कैसे बनाएंगे? ग्लास बनाने के लिए ऐसा कोई होना चाहिए जो हम जल को रोक सकता है। अब इस फिगर में हम देख रहे हैं, ग्लास हम कपड़े का तो बना नहीं सकते, उसमें पानी डालेंगे तो वो गिर जाएगा। इसलिए ग्लास बनाने के लिए हमें ऐसी चीज़ें चाहिए जो पानी को रोक के रख सकें। तो हम ये कैसे जानेंगे, हम अपनी वस्तुओं का, अपने सामानों का समूह कैसे बनाते हैं? तो उसके लिए पदार्थों के कुछ गुण होते हैं। आज हम पदार्थों के गुण के बारे में जानेंगे। किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों अथवा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। हम जो भी चीज़ बनाते हैं उसके लिए किसी पदार्थ को चुनते हैं, तो वो पदार्थ, जो चीज़ हम बनाने वाले हैं उसके गुणों के और उसके उपयोग के अनुसार हम उन चीज़ों को चुनते हैं। तो किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों अथवा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अगर हम देखें तो लोहे, तांबे, एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं दिखाई पड़ती हैं। हम देखते हैं कि लोहे, तांबे, एल्युमिनियम, इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं जो कि लकड़ी में नहीं होती हैं। जैसे लोहे, तांबे, एल्युमिनियम ये धातु होते हैं और लकड़ी धातु नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होंगी, हम उसके बारे में जानेंगे कि पदार्थ के गुण कौन कौन से होते हैं। दिखावट या चमक, हम चमक और उनके दिखावट से भी चीज़ों को बांटते हैं, समूह में करते हैं। जैसे पदार्थ जिनमें कटने के बाद चमक होती है उसमें हमें धूती देखने को मिलती है। धूती मतलब चमक। पदार्थ जिनमें कटने के बाद चमक होती है उसमें हमें धूती देखने को मिलती है। अगर हम किसी लोहे के पाइप को काटते हैं तो हम देखेंगे कि जो कटा हुआ पोर्शन होता है उसमें से कोई शाइनिंग, कुछ चमक रहा है, उसे हम धूती कहते हैं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धूती होती है वो प्राय धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम अथवा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। जिन पदार्थों में चमक होती है या धूती होती है वो प्राय धातु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम अथवा सोना इसके उदाहरण हैं। धातु कभी कभी अपनी चमक खो देते हैं और धूतिहीन दिखाई देने लगते हैं। ऐसा उन पर वायु अथवा नमी की अभिक्रिया कारण होता है। अगर हम कोई लोहे के पाइप को बहुत दिनों तक बाहर रख देते हैं तो उसमें पानी और नमी के कारण जंग लग जाता है और वो अपनी चमक को खो देता है। लेकिन जैसे ही उसे हम काटते हैं या फिर उसे हम साफ करते हैं तो उसकी चमक वापस आ जाती है। तो हम देख सकते हैं कि उनकी धूती किस कारण से धूत वो पाइप जो है वो किस कारण से धूतिहीन हो जाता है, तो वायु और नमी के अभिक्रिया के कारण वो पाइप अब धूतिहीन हो जाता है। धातु के दूसरा गुण कठोरता। पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है उसे कोमल पदार्थ कहते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है उसे कठोर पदार्थ कहते हैं। ऐसा कोई चीज़ जिसे दबाना या उसे खरोचना
आसान होता है उसे कोमल पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ जो चीज़ को दबाना या खरोचना मुश्किल होता है उसे कठोर पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर हम रुई को लेते हैं हाथ में तो उसे आसानी से दबा सकते हैं, उसे हम कोमल पदार्थ कहते हैं। उसी तरह अगर हम कुछ लोहे की चीज़ को लेते हैं तो उसे दबाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उस वैसे पदार्थ को हम कठोर पदार्थ कहते हैं। विलेय पदार्थ की ये नेक्स्ट गुण है विलेय तथा अविलेय। विलेय मतलब घुलनशील और अविलेय मतलब अघुलनशील। मतलब विलेय जो घुल जाता हो पूरी तरह, और अविलेय जो अलग रहता हो। नमक चीनी जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, लेकिन बालू बुरादा के साथ ऐसा नहीं होता है। जो नमक और चीनी है अगर उसको हम पानी में डालते हैं तो वह पूरी तरह लुप्त हो जाता है, पानी में छिप जाता है, लेकिन बालू और अगर बुरादे को हम पानी में डालते हैं तो वो पानी में लुप्त नहीं होता, वो छिपता नहीं है। कुछ ऐसे द्रव्य हैं जल में मिश्रित नहीं होते हैं, कुछ समय उपरांत वह जल में अपने पृथक परत बना लेते हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें होते हैं जो जल में आसानी से घुलते नहीं, वो हमें जब डालेंगे तो लगेगा घुल गया है, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वो एक अपनी अलग लेयर बना लेते हैं पानी के ऊपर। जैसे तेल को अगर हम पानी के ऊपर डालते हैं तो वो अलग कुछ देर के बाद वो अपना एक अलग लेयर बना लेता है। भली भांति मिश्रण होने वाले में नींबू का रस, सिरका, लेकिन सरसों तेल, नारियल तेल, किरोसिन तेल मिश्रित नहीं होते हैं। हाँ, एग्जाम्पल है, अगर हम पानी में नींबू का रस, सिरका या फिर नमक चीनी डालते हैं तो वो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, लेकिन सरसों का तेल, नारियल तेल, किरोसिन तेल हम पानी में डालते हैं तो वो अपनी एक लेयर बना लेता है, वो घुल नहीं पाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसमें हमने इंक डाला है इस पानी में तो ये पूरी तरह पानी में घुल चुका है, लेकिन इसमें हमने कुछ ऑयल डाला है, तेल डाला है, तो ये अपनी एक ऊपर अलग लेयर बना लिया है पानी के ऊपर। कुछ गैसें जल में विलय होते हैं जबकि अन्य गैसें ऐसा नहीं है। यह थोड़ी मात्रा में विलीन होते हैं। ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले तंतु और पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ गैस, कोई कोई गैस हैं वो विलय होते हैं, जैसे ऑक्सीजन जो पानी में घुल जाता है, और कुछ गैसें विलय नहीं होते हैं, वो अविलय होते हैं। ऑक्सीजन गैस जो है वो पानी में रहने वाले जंतु जैसे मछली, मगरमच्छ, इन जंतुओं के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके जीने के लिए बहुत, उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जल में अविलय ठोस जल को पृथक जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। अगर हम पानी में कोई कंकड़ डालते हैं, ठोस मतलब जो हार्ड हो, जल में अगर हम पानी में अगर हम कोई कंकड़ डालते हैं, बालू डालते हैं, तो वो जल से, पानी से अलग उसको किया जा सकता है। पदार्थ के नेक्स्ट गुण पारदर्शी। उन पदार्थों अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तु को देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं, जैसे कांच। अपारदर्शी वे पदार्थ अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तु को नहीं देखा जा सकता है, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लकड़ी के बॉक्स, धातु के पात्र इत्यादि। पारभासी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देख तो सकते हैं परंतु बहुत अस्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, उसे पारभासी कहते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया, ये तीन वस्तुएं हैं, इनमें हम देखेंगे कौन से पारदर्शी हैं, कौन अपारदर्शी हैं और कौन पारभासी हैं। यहाँ हम देखते हैं ये कोई व्यक्ति है, ये और ये कोई धातु लिया हुआ है, इसमें से देख रहा है, जिसमें इसे इधर इसके दूसरी तरफ, इस वस्तु, इस सामग्री से दूसरी तरफ इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस वस्तु को हम अपारदर्शी कहेंगे। इस व्यक्ति ने दूसरे पिक्चर में इस व्यक्ति ने कोई वस्तु लिया है जिसमें ये किसी चीज को देख रहा है, इस वस्तु के माध्यम से इसे वस्तु दिख तो रहा है लेकिन अस्पष्ट नहीं दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, इसलिए इस वस्तु को पारभासी कहेंगे। और ये वस्तु है जिसे जिसके द्वारा इस व्यक्ति को वस्तु
साफ दिख रहा है, बहुत ही क्लियर दिख रहा है, इसलिए इसे पारदर्शी वस्तु कहेंगे। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, उसके गुण भी अलग अलग होंगे। जैसे पानी, वो द्रव्य भी है, ठोस भी है, गैस है। कांच, वो ट्रांसपेरेंट भी होता है, हार्ड भी है, पारदर्शी भी होता है, अपारदर्शी भी। तो इसके गुण, सभी के गुण अलग अलग होते हैं। जैसे ठोस, जल, ठोस, द्रव्य और गैस। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं, जबकि कुछ अविलय। कुछ पदार्थ जो होते हैं वो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताएं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। पदार्थों को किस आधार पे उनको समूहों में बांटा जाता है? तो पदार्थों को उनके गुणों में समानताएं तथा विभिन्नताओं के आधार पे समूहों में बांटा जाता है। धूती को चमकीला के नाम से जाना जाता है। धूती मतलब चमकीला, चमक। हमने जो लेसन में पढ़ा उसका कंक्लूजन हम यहाँ देखेंगे। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। हम जो अपने चारों ओर जो चीज़ें देखते हैं, जैसे टेबल, चेयर, बुक, पेन और भी जो चीज़ें हैं, वो अलग अलग प्रकार की पदार्थों से बनी होती है। कुछ मेटल से बनी होती है, कुछ लकड़ी से, कुछ कांच, कुछ पेपर, इस तरह से वो चीज़ें बनी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किसी दिए के पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है, अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। जैसे कोई एक पदार्थ है, उसका हम यूज़ बहुत सारी चीज़ों को बनाने में करते हैं, और किसी वस्तु को केवल एक ही चीज़ से बनाया जा सकता है, अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी और उसे बहुत तरह की चीज़ों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग पदार्थों के गुण अलग अलग होते हैं। जैसे कांच के गुण अलग होंगे, लोहे के गुण अलग होंगे, एल्युमिनियम के गुण अलग होंगे। तो इस प्रकार पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, जबकि अन्य नहीं। कुछ जो पदार्थ होते हैं वो बहुत चमकीले होते हैं और कुछ चमकीले नहीं होते। कुछ खुरदुरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने। इस प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं, जबकि कुछ अन्य अविलय होते हैं। जो चीज़ें कुछ पदार्थ जल में पूरी तरह घुल जाते हैं और कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी व धातु अपारदर्शी होते हैं, और कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। पदार्थ को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। यह क्वेश्चन है, पदार्थ को किस विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है? पदार्थ को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ सामूहित किया जाता है। हम किसी चीज़ को क्यों समूह में बांटते हैं? क्योंकि हम उसे आसानी से उसके गुणों का अध्ययन कर सकते हैं, उसे आसानी से हम अपनी सुविधा के अनुसार हम वस्तुओं को समूह में बांटते हैं और उनके गुणों के अध्ययन कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।